जी दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीष आयुर्वेदिक सेंटर पर। दोस्तों पिछली वीडियो में जैसे हमने देखा था कि हम हब्बे मुमसे की खास बनाने जा रहे हैं, तो उसका एक पार्ट मैंने बना दिया था कि जिसमें हमने मोती पिस्टी तैयार की थी खुद की, जिसके अंदर हमने गुलाब का अर्क निकाल के 6 बार गुलाब के अर्क को निकाला था, तो जो 6 अच्छा जो अर्क तैयार हो जाता है उससे हमने मोती पिस्टी तैयार की थी। जो लोग नए हैं वो जाके पीछे हमारी वीडियो देख सकते हैं, और जो पुराने हैं उनको तो देख ही लिया होगा उन्होंने। अभी हम सिंबल फार की तैयारी कर रहे हैं। हमने ये सिंबल फार जो पहले पिछली वीडियो में दिखाया था कि हमने सिंबल फार को गाय के देसी घी में 150 ग्राम घी में हमने इसको कम से कम 72 घंटे पकाया था, इसको शुद्ध किया था, मदब्बर किया था। आज इसी सिंबल फार का सेवन हम इस नुस्खे में करने जा रहे हैं। दोस्तों अगर किसी ने पहले सिंबल फार का यूज़ ज़्यादा नहीं किया तो वो इस नुस्खे को ना बनाएं, या फिर अपने किसी अच्छे वैद्य के साथ सलाह कर बना सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह हमने पहले ये देखिए, हमने 10 ग्राम ये सिंबल फार लिया है, और ये वो घी है जिसमें हमने सिंबल फार को तैयार किया था। इसको इसमें सिंबल फार को हमने कम से कम 72 घंटे, 2 बार 72 घंटे पकाया था। 2 अमल इसके साथ किए थे, तो ये मदब्बर किया था हमने इस घी में। तो उसके बाद ये सिंबल फार मेरे पास दूसरा पड़ा हुआ है, जिसको मैंने चरख दे के किसी नुस्खे में बनाया था। तो ये देखिए, ये चरख खाकर बैठा हुआ है। ये कीमियागार भाइयों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, तो कीमियागार भाइयों के लिए ये मैं दोबारा से एक वीडियो भी तैयार करूँगा इसके लिए। आज हम खाने का नुस्खा तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए हम जो सिंबल फार है वो जो मदब्बर है सिर्फ उसी के बारे में ही जिक्र करेंगे। तो दोस्तों ये सिंबल फार बनाने के लिए हमें चाहिए 2 अंडे, जिस तरह मैंने नुस्खे में बताया था। हमें 40 अंडों की जर्दी के साथ इस सिंबल फार को तैयार करना है। तो इसलिए आजकल जो अंडे आ रहे हैं ना, थोड़े उसमें रेडिश ब्लड जैसा आ रहा है, तो अंडे थोड़े ताज़े लें, तो ताज़े अंडों में ये बनाएं। अभी मैंने 2 अंडे अभी भी फेंके हैं, क्योंकि ये मैं 40 अंडे एक बार में लेके आया था किसी के साथ, किसी के पास से, इसमें थोड़े कुछ अंडे ख़राब निकल गए। दोस्तों ये देख लें आप, सिंबल फार मैंने लिया है यहाँ पे 10 ग्राम। शहर ये डिस्प्ले नज़र नहीं आएगी आपको, क्योंकि कैमरा ऊपर ज़्यादा फिक्स किया हुआ है। तो ये 2 अंडे हैं, इनको अंदर से तोड़ के इनकी जो सफ़ेदी है वो निकाल के हम फेंक देंगे, और इसकी जो अंदर से जर्दी है उसको हम इस अंडों में बनाएंगे। इस तरह आपको 40 अंडों में 2-2 अंडों की जर्दी डाल के तैयार करना है। तो सबसे पहले इन अंडों को इसके जो तोड़ करके इसके अंदर से जो जर्दी है वो हम निकाल के बाहर फेंक देंगे। तो ये देखिए, पहले इसको अंडों को तोड़ना होता है। तोड़ने के बाद इस यहाँ पे कारीगरी का काम होता है, कुछ लोग अंडों की सारा अंडा निकाल के फिर उसकी जर्दी निकालते हैं तो अंडा टूट जाता है। इसका खोल जो है ना, ये हमें चाहिए होता है, क्योंकि इसी खोल में हमने इसको रख के पकाना होता है। तो ऐसे ऐसे पहले इसका जो सफ़ेद भाग है वो धीरे धीरे निकाल दें, उसके बाद दूसरे अंडे की जो जर्दी है, और सॉरी उससे पहले ये सिंबल फार इसके अंदर डाल दें। अब दूसरे अंडे की जर्दी निकाल के इसी अंडे में लगा देंगे, और इसके ऊपर इसका यही खोल लगाएंगे, और उसके बाद इसके ऊपर मांस का आटा लगा के इसको देसी घी में फ्राई करेंगे। जब ये पूरा ऊपर का देसी जो इसका मांस का आटा है वो ब्राउन हो जाएगा, तो हम अंदर से सिंबल फार निकालेंगे। इसी तरह हम 40 अंडों में ये 20 अमल करेंगे, तो हमारी ये खाने वाला सिंबल फार तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर